दोस्तों क्या होगा जब आप बादलों के बीच में हो और आपके एरोप्लेन के छत ही अचानक से उड़ जाए तो? जी हाँ, यह घटना 28 अप्रैल 1988 की है, जब अलोहा एयरलाइंस का यह एरोप्लेन हिलो से चलकर होनोलुलु के तरफ जा रहा था। उड़ान भरने से पहले इंजीनियरों ने इस एरोप्लेन के सारे पार्ट पुर्जे के साथ साथ इंजन की भी जाँच की थी। इसके बाद यह उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई कभी सोचा भी न था, क्योंकि प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर जाकर इसका छत ही अचानक से उड़ गया। ऐसा कहे तो 19 फीट के लंबाई तक सारे छत उड़ गए थे, से प्लेन के अंदर और बाहर का एयर प्रेशर एक जैसा हो गया था, जिस वजह से लोगों के सांसें लेने में काफी परेशानी हो रही थी। इसी वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। पायलट एरोप्लेन को कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसलिए इमरजेंसी लैंडिंग करना सही समझा। पायलट ने जैसे तैसे करके अपने सूझबूझ से इस प्लेन को लैंड करवा कर 94 यात्रियों को जान बचा लिया, लेकिन अफसोस 65 आदमी बुरी तरह से घायल हो गए थे।